नमस्कार दोस्तों, गीताज टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोई भी त्यौहार हो, मिठाइयाँ तो बनती ही हैं। अधिकतर मिठाइयों में हम खोए का यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसे मावा के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये बाज़ार में मिल जाता है, परंतु शुद्धता को ध्यान में रखते हुए हम इसे घर पर ही बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। खोया बनाने के लिए हम भारी तले की एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ करेंगे। इसमें दूध डालकर इसे गैस पर रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तब हम गैस मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दूध में उबाल आ रहा है, हम गैस धीमी कर देते हैं और इसे लगातार चलाते रहेंगे। दोस्तों, खोया बनाने के लिए जहाँ तक हो सके एल्युमिनियम की कढ़ाई का ही यूज़ करें, क्योंकि स्टील के बर्तन में दूध के जलने की संभावना अधिक रहती है और लोहे के बर्तन में खोए का कलर सफ़ेद नहीं रहता, मटमैला हो जाता है। दोस्तों, दूध को चलाते समय हम कलछी को कढ़ाई में नीचे तक चलाएंगे, जिससे दूध नीचे लगने ना पाए। कढ़ाई के किनारों पर जो दूध जम रहा है उसे भी खुरच खुरच कर दूध में मिलाते रहेंगे। दोस्तों, खोया बनाते समय हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि दूध को चलाना बंद नहीं करना है। ऐसा ना हो कि कोई फ़ोन कॉल आ जाए और आप बात करने लग जाएं और दूध जल जाए। ये देखिए, दूध गाढ़ा होने लगा है। हम इसे इसी तरह खुरच खुरच कर चलाते रहेंगे। दूध में से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। हम इसे अभी और पकाएंगे। खोया बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा टाइम लगता है। कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा खोया बनकर तैयार हो जाएगा। पहला, कढ़ाई भारी तले की लेना है। दूसरा, गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तीसरा, दूध को लगातार चलाते रहना है। और चौथा, दूध को गैस पर चढ़ाकर कहीं न जाएं, हमेशा नज़र बनाए रखें। ये देखिए, खोया लगभग तैयार हो गया है। हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। कढ़ाई में चारों तरफ जो दूध जम गया है उसे खुरच कर बीच में करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए, खोया बनकर तैयार हो गया है। वाह, क्या खुशबू है। गैस बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने में करीब 40-45 मिनट लगे हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सफ़ेद खोया बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे बनाइए और अपने अनुभव हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।